हरदोई जिले की हरपालपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने सवारियों को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर तीन लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनसे तीन गाड़ी, नकदी, जेवरात और दो तमंचे बरामद हुए हैं। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस बारे में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी अनिल कुमार यादव ने बताया कि ये गैंग क्षेत्र में काफी दिनों से लूट की वारदातों को अंजाम दे रहा था, जिसके चलते हरपालपुर पुलिस को इस गिरोह की तलाश थी। गिरोह के सदस्यों ने कई सवारियों से लूटपाट की थी, जिनको आज गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। थाना हरपालपुर पुलिस द्वारा विगत दिनों जो जिले में विभिन्न थाना क्षेत्रों में लूटपाट घटनाएं हुई थी, उसका सफल अनावरण करते हुए पुलिस मुठभेड़ में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से तीन चार पहिया वाहन, नकदी और कुछ जेवरात बरामद किए गए हैं। पुलिस द्वारा इनके पास से दो तमंचा भी बरामद किया गया है। इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये थी कि ये सवारी के रूप में लोगों को बैठाते थे और आगे ले जाकर सुनसान जगहों पर उनको लूट लेते थे, उतार देते थे। ये कई घटनाएं कर चुके थे और हरपाल पुलिस द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है और इन लुटेरों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी, आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।